हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन इन वीडियो। और आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है ग्राम स्टेनिंग। किसकी? बैक्टीरियल ग्राम स्टेनिंग की हम बात कर रहे हैं। तो भैया, हम कहानी स्टार्ट करते हैं एक पेशेंट से जो डॉक्टर के पास गया और उसने कुछ सिम्टम्स बताए डॉक्टर को, बिकॉज द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम अ सर्टेन डिजीज। अब जो उसने सिम्टम बताए वो तीन चार बीमारियों से मिलते जुलते हैं। समस्या यह है कि डॉक्टर समझ नहीं पा रहा है कि एक्चुअल बीमारी कौन सी है उसको। तो होना क्या चाहिए? एंटीबायोटिक डॉक्टर या रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर उसको प्रिस्क्राइब करेगा, लेकिन जो एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करेगा वो काम भी तो करना चाहिए। वो काम जब करेगा, जब वो पर्टिकुलर एंटीबायोटिक किसी पर्टिकुलर माइक्रोब के लिए दिया जाएगा, तो भैया उस माइक्रोब को तो आइडेंटिफाई करो। जब तक माइक्रोब आइडेंटिफाई नहीं होगा, पर्टिकुलर एंटीबायोटिक नहीं दिया जा सकता, क्योंकि हम जानते हैं स्पेसिफिक माइक्रोब के अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स ही काम करते हैं, हालांकि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स भी होते हैं। तो भैया, हमारा पहला सवाल यही है कि आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे बैक्टीरिया को, कैसे आइडेंटिफाई करोगे उस माइक्रोब को। तो बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन के बहुत सारे तरीके हैं, उसमें एक तरीका है ग्राम स्टेनिंग का। तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रोसीजर या फिर डॉक्टर क्या करेगा, जो स्पेसिमेन लेगा, सैंपल लेगा पेशेंट का और उसको डायग्नोस्टिक लैब में भेजेगा। वहां पर स्टेन के बाद पता लगेगा कि इसके अंदर ये बैक्टीरिया है, और जब पता लगेगा इसके अंदर पर्टिकुलर ये वाला बैक्टीरिया है तो उसको डिजीज कौन सी है, और उसके बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट हो सकता है, मतलब पर्टिकुलर एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब की जा सकती है। तो सक्सेस ऑफ थेरेपी इट डिपेंड्स ऑन द आइडेंटिफिकेशन। जब तक राइट आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा, थेरेपी स्टार्ट नहीं हो सकती। तो क्या स्टेनिंग से पता लग जाएगा कि बैक्टीरिया कौन सा है? ऐसा नहीं है। देयर आर वेरियस टेक्निक्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, लेकिन हम एक ही टेक्निक की आज बात कर रहे हैं, जो है ग्राम स्टेनिंग। तो देखते हैं आप ग्राम स्टेनिंग। इन ग्राम इट इज अ स्टेनिंग टेक्निक इन विच द बैक्टीरिया इज स्टेन। भैया, स्टेन जो होता है उसका मतलब होता है कलर करना या कलर प्रदान करना या धब्बा छोड़ देना। तो इस टेक्निक के अंदर क्या करेंगे, जो बैक्टीरिया होता है उसको किल करके या फिर जो हमारा सैंपल है उस बैक्टीरिया के अंदर कलर प्रोवाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ डाई। तो बैक्टीरिया स्टेन हो जाता है और हम उसको आराम से माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। दिस टेक्निक वॉज डेवलप्ड बाय अ हिस्टोलॉजिस्ट जिसका नाम था क्रिस्टियन ग्राम, और उसने कब डेवलप किया? 1884 में। इट इज मतलब ग्राम स्टेनिंग इज अ मेथड ऑफ स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया विच हैज फोर स्टेप। इसमें चार स्टेप होते हैं, और वो चार स्टेप कौन से हैं इधर देख लेते हैं हम। भैया, ये स्लाइड है और ये स्मियर है, मतलब सैंपल है। पहले स्टेप में क्या करते हैं हम? प्राइमरी स्टेनिंग करते हैं। स्लाइड पर मैंने क्या लिया? सैंपल लिया और प्राइमरी स्टेनिंग कर दी। प्राइमरी स्टेनिंग का मतलब ये है कि यहां पर मैंने एक डाई ली। अब डाई कौन सी ली, बाद की बात है, पहले आप अभी स्टेप देख लीजिए। पहले मैंने प्राइमरी स्टेनिंग की, फिर मैंने क्या किया उसके ऊपर, उसके बाद दूसरी डाई डाली जिसे बोलते हैं मॉर्डेंट डाई। तीसरे स्टेप में मैंने क्या किया, एल्कोहल यूज किया या फिर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और भी यूज कर सकते हैं, जैसे एसीटोन, जैसे एनिलिन। और फिर चौथे स्टेप में मैंने क्या किया, दूसरी डाई डाली। यह स्टेप कहलाता है काउंटर स्टेन। मैं फिर कह रहा हूं, मैंने सैंपल लिया, पहले एक डाई डाली जो ब्लू कलर या वायलेट कलर की थी, उसके बाद मैंने मॉडर्न डाई डाली, उसके बाद मैंने डी कलराइजेशन डाला जैसे एल्कोहल, और चौथे स्टेप मैंने दूसरे कलर की डाई डाली, रेड कलर की डाई जैसे सेफ्रिन। ये होने के बाद मुझे क्या दिखता है कि जो मेरा सैंपल है या तो ब्लू कलर का है, वायलेट कलर का है, या फिर वो रेड कलर का है। इस सैंपल के अकॉर्डिंग अगर सैंपल इस कलर का दिखता है, वायलेट कलर का,
तो जो बैक्टीरिया जिसकी हम बात कर रहे हैं आइडेंटिफिकेशन की, वो बैक्टीरिया कहलाता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और अगर ये जो स्पॉट्स दिखते हैं या फिर जो सैंपल मुझे रेड कलर का दिखता है तो हम क्या कह सकते हैं, दैट बैक्टीरिया इज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो चार स्टेप हो गए किसके, ग्राम स्टेनिंग के। ये जो चार स्टेप हैं ये यहां पर आपके सामने लिखे हैं, प्राइमरी स्टेनिंग, मॉडर्न डाई, डीकलराइजेशन एंड काउंटर स्टेनिंग। इन चार स्टेप को याद करने का एक कोड है। क्या कोड है आप याद रख लीजिए कि ये जो ग्राम स्टेनिंग है इट इज प्राइमरी मेथड। भैया ये क्या है, प्राइमरी मेथड है। किसका, डीकोड करने का। क्या कर रहे हो आप, डीकोड कर रहे हो। किसको कर रहे हो, बैक्टीरिया को डीकोड कर रहे हो। तो प्राइमरी मेथड टू डीकोड बैक्टीरिया, ये चार स्टेप हो गए। प्राइमरी से बना प्राइमरी स्टेनिंग, एम से बना मॉडर्न डाई, सीओ से बना डी से बना डीकलराइज, और सीओ से बना को काउंटर स्टेन। वापस बोल रहा हूं, प्राइमरी से बना प्राइमरी स्टेनिंग, एम से बना मॉडर्न, डी से बना डीकलराइज, और सीओ से बना काउंटर स्टेन। अभी कैसे करते हैं, ये जो आपने यहां पर सैंपल लिया, इस सैंपल में पहला स्टेप था प्राइमरी स्टेनिंग, आपने प्राइमरी स्टेनिंग किया। अब प्राइमरी स्टेनिंग किससे की जाती है, कुछ डाई डालते हैं और वो डाई कौन सी होती है, क्रिस्टल वायलेट या मिथाइल वायलेट या फिर जेंशियन वायलेट। ये क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी आया हुआ है कि द प्राइमरी स्टेनिंग इन ग्राम स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया इज डन बाय, ये है आंसर आपके सामने। तो पहला स्टेप हो गया। अब है दूसरा स्टेप मेथड। दूसरा स्टेप क्या था, मॉडर्न डाई। मॉडर्न डाई ये क्या होती है, इट इज आयोडीन सॉल्यूशन, डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन इज यूज्ड इन द सेकंड स्टेप। अब आता है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप देखा आपने, डी, डी का मतलब डीकलराइज। डीकलराइज किससे हुआ, एल्कोहल से, थर्ड स्टेप के अंदर। तो डीकलराइजेशन इज डन बाय एल्कोहल या फिर एसीटोन या फिर एनिलिन। एक्चुअली दीज आर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, मॉडर्न पे भी, द मॉडर्न डाई यूज्ड इन ग्राम स्टेनिंग इज आयोडीन। तो तीन स्टेप हो गए आपके। अब आता है चौथा स्टेप। चौथा स्टेप है काउंटर स्टेन। ये जो आपका कोड था ना, प्राइमरी मेथड टू डीकोड बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को डीकोड ही तो कर रहे हैं। डीकोड ही तो मतलब आप जानना चाहते हो कि उसके अंदर है कि एक्चुअली वो किस टाइप का बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव है या ग्राम पॉजिटिव है। तो चौथा है को काउंटर स्टेन। दिस काउंटर स्टेन इज डन बाय अनदर डाइज, सेफ्रोनिन, न्यूट्रल रेड और कार्बोल फ्लोरीन। ये चार स्टेप। तो सर जैसे ये चार याद हो गए, ऐसे ये चार भी तो याद कराओ, कोड बताओ। तो ठीक है, इसका भी कोड कर लेते हैं। आपको याद करने का तरीका क्या है कि अगेन क्रिस्टल इश्यूज आर ऑलवेज सेफ। क्रिस्टल का मतलब क्रिस्टल वायलेट, टिश्यू से बना आयोडीन, एल एल्कोहल या फिर ए से एसीटोन भी हो सकता है, एस ए एफ सेफ, सेफ सेफ से बना सेफ्रोनिन। तो ये चार मेथड हैं, इसके सामने आपको लिखना है क्रिस्टल इश्यूज आर ऑलवेज सेफ। तो प्राइमरी मेथड टू डीकोड बैक्टीरिया वो क्या है, क्रिस्टल इश्यूज आर ऑलवेज सेफ। इसके सामने आप लिख दोगे तो पता लग जाएगा कौन से मेथड है और उसके सामने कौन सी डाई यूज होती है। तो ये चार मेथड है और ये वाले सब्सटेंसेस यूज हो गए हैं। अब जब आपने क्रिस्टल वायलेट डाल दिया सैंपल के अंदर, जब आपने आयोडीन डाल दिया, उसके बाद एल्कोहल से डीकलराइज कर दिया, फिर आपने सेफ्रोनिन डाल दिया,
सर हो क्या रहा है इसके अंदर? भैया हुआ यूं कि जो आपका सैंपल था जब आपने प्राइमरी स्टेनिंग किया, किससे? क्रिस्टल वॉलेट से या जेंशन वॉलेट से, मिथाइल वॉलेट से। और जब आपने उसको मिक्स किया या फिर जब आप उसको थोड़ी देर तक रखते हो, तो जो बैक्टीरिया के सेल कंपोनेंट्स है ना, वो क्या करेंगे? वो डाई के अंदर रंग जाएंगे। मतलब दैट डाई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेनिंग द कंपोनेंट्स ऑफ बैक्टीरिया। तो पहला स्टेप में क्या हुआ? रंग गया बैक्टीरिया। फिर आपने क्या किया? आयोडीन डाली। अब ये आयोडीन क्यों डाली? आयोडीन इसलिए डाली कि जब आयोडीन जाती है तो आयोडीन क्या करती है? जो डाई आपने डाली है उसके साथ कॉम्प्लेक्स बना देती है। मतलब डाई और आयोडीन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और वो क्या करती है? बाइंडिंग फॉर्म करती है। तो आयोडीन डाल दी। तीसरा स्टेप क्या है? जो आपको लगता है कि यार ये डाई है इसको निकाल दो, तो आपने क्या किया? डीकोलराइजिंग एजेंट यूज किया तीसरे स्टेप में एल्कोहल। तो फिर क्या करेंगे? इसी सैंपल पर वापस एल्कोहल या एसीटोन डालेंगे। तो अगर जो डाई इसके अंदर एल्कोहल के अंदर सॉल्युबल होगी तो क्या हो जाएगी? बाहर आ जाएगी इसके अंदर, तो आयोडीन भी आ जाएगी अगर सॉल्युबल होगी तो। चौथे स्टेप में क्या किया? मैंने दूसरे कलर की डाई डाली और वो डाई कौन सी थी? ये वाली थी, रेड कलर की। अब आप सोचिए कि जब मैंने एल्कोहल डाला था और उसके बाद दूसरे कलर की डाई डाली, तो दो तरह की तो रिजल्ट हो सकते हैं, या तो पहली वाली डाई हो सकती है या दूसरी वाली डाई हो सकती है। पहली वाली डाई है तो ब्लू कलर आएगा और दूसरी वाली डाई है तो रेड कलर आएगा, और उसी के बेस पर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। तो यही तो लिखा है इसके अंदर कि द रिजल्ट्स ऑब्टेंड आर ऑफ दिस टाइप। अब कुछ बैक्टीरिया इस सैंपल के अंदर दे रेजिस्ट डीकलराइजेशन, वो डीकलराइज नहीं होंगे। मतलब ये स्टेप डालने के बाद भी डीकलराइज नहीं होंगे, मतलब ये ओरिजिनल कलर ही रहेगा। दे रिटेन प्राइमरी स्टेन। प्राइमरी स्टेन क्या है? ये वाली। एंड दे अपियर वायलेट इन कलर। एंड द बैक्टीरिया विच अपियर वायलेट इन कलर आर कॉल्ड एज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और वो कौन कौन से बैक्टीरिया हैं? उनके क्या एग्जाम्पल हैं? जैसे माइक्रोकॉकस, डिप्लोकॉकस, स्ट्रेप्टोकॉकस, स्टेफाइलोकॉकस, बैसिलस, क्लॉस्ट्रिडियम एंड कोरिन बैक्टीरियम। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ऐसे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन से हैं? इस मेथड को फॉलो करते हुए द बैक्टीरिया इज अ सैंपल विच डीकलराइज, विच आर काउंटर स्टेन एंड विच अपियर रेड इन कलर, विच अपियर रेड इन कलर। दीज आर कॉल्ड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। एग्जाम्पल आर एस्टेरिचिया, साल्मोनेला, विब्रियो, निसेरिया, शिजेला, प्रोटियस एंड स्यूडोमोनास। और भी एग्जाम्पल्स हैं। तो ये तो है आपके सामने एग्जाम्पल्स कौन से ग्राम पॉजिटिव है और ग्राम नेगेटिव। तो इसमें से भी क्वेश्चन आता है कि वन ऑफ द फॉलोइंग इज ग्राम नेगेटिव एंड वन ऑफ द फॉलोइंग इज ग्राम पॉजिटिव, आइडेंटिफाई। तो आपको आइडेंटिफाई करना है। सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हुआ? कई तो पॉजिटिव है और कई नेगेटिव है, उसका कारण है ये आपके सामने। तो नाउ वी विल सी द रीजंस एंड मैकेनिज्म्स। पहला, द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया दे हैव मोर एसिडिक प्रोटोप्लाज्म। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसका जो प्रोटोप्लाज्म है वो ज्यादा एसिडिक है, तो ज्यादा एसिडिक है तो बेसिक डाई को ज्यादा रिटेन करेगा। देयरफॉर दे रिटेन द बेसिक डाइज मोर स्ट्रांगली। तो जो शुरू में आपने डाला था वायलेट कलर, लास्ट में वायलेट ही रहेगा आपको। ये तो है पहला रीजन। दूसरा और क्या कारण हो सकता है? आयोडीन, इट रिएक्ट्स विद द डाई एंड फॉर्म्स ए कॉम्प्लेक्स दैट इज कॉल्ड आयोडीन डाई कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है। भैया आयोडीन डाले थे ना दूसरे स्टेप में, जब ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है, अब ग्राम पॉजिटिव के अंदर जब आप उसको डीकलराइज करते हो, एल्कोहल डालते हो थर्ड स्टेप के अंदर, ये कॉम्प्लेक्स
सेल वॉल से बाहर नहीं जा पाता, मतलब द सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इज इम्परमिएबल टू डाई आयोडीन कॉम्प्लेक्स, तो ये कॉम्प्लेक्स बाहर नहीं जाता, इट डजेंट अलाउ द आउटफ्लो ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स एंड देयरफॉर इट रिटेन्स द वायलेट कलर। आयोडीन अंदर आई थी ना, डाई के साथ कॉम्प्लेक्स बनाया था ना, अभी बताया तो था, इसलिए क्या है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वायलेट देखेंगे। लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या है, देयर सेल वॉल इज परमिएबल टू दिस कॉम्प्लेक्स, दे परमिएट द आउटफ्लो ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स एंड देयरफॉर काउंटर स्टेन, मतलब वो क्या देखेंगे, रेड देखेंगे, ये कारण है। लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान रखने की जरूरत है, अगर कोई बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है और आप उसको कंटिन्यू डीकलराइज करे जा रहे हो, बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आपने डाल दिया, धो दिया धो ही जा रहे हो, कंटिन्यू वॉशिंग है, तो भैया डायोडीन कॉम्प्लेक्स है वो बाहर ही आ जाएगा और उस समय आपके रिजल्ट्स क्या होंगे, गलत आएंगे, आपका इंटरप्रिटेशन गलत होगा। मींस सुटेबल स्टैंडर्ड प्रोसीजर शुड बी फॉलोड व्हाइल डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट। तो हमें पता लग गया ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव, लेकिन इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। तो आपको बताया तो था कि जब तक आपको पता नहीं लगे ग्राम नेगेटिव या पॉजिटिव, आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हो क्या? तो यहां पर हमने देखा कि ग्राम नेगेटिव और पॉजिटिव डिफरेंट तो है, तो और भी डिफरेंस देखते हैं जिससे अपने को और पता लगेगी कि क्या इंपॉर्टेंस है ग्राम स्टेनिंग का। सो इफ यू टॉक अबाउट द सिग्निफिकेंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ग्राम स्टेनिंग, इट इज अ मेथड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, ये एक मेथड है जिसमें पता लग जाएगा कि आइडेंटिफिकेशन मतलब बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर लिया आपने। सेकेंड, इट हेल्प्स इन द डिफरेंशिएशन ऑफ ग्राम नेगेटिव एंड बैक्टीरिया, ये आपको बताएगा कि बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव है या पॉजिटिव है, जो एक दूसरे से अलग है, कैसे, इन स्टेनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, दे डिफर फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर, कैसे, जो ग्राम पॉजिटिव की बैक्टीरिया है उसकी सेल वॉल थिक होती है, सेल वॉल को बोलते हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसकी सेल वॉल थिक होती है जबकि ग्राम नेगेटिव की थिन होती है, दोनों के ग्रोथ रिक्वायरमेंट ही अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट, दे डिफर फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ पैथोजेनिसिटी, बिकॉज एक थंब रूल बता रहा हूं लेकिन एक्सेप्शन भी है, द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज मोर पैथोजेनिक इन कंपेरिजन टू ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव ज्यादा घातक होता है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एंडोटॉक्सिक शॉक, हम डिटेल्स से पढ़ेंगे दूसरे वीडियोस के अंदर, और सम एंटीबायोटिक्स एक्शन, मींस एंटीबायोटिक्स एक्शन ससेप्टिबिलिटी भी हमें ध्यान में रखनी है। तो एक एंटीबायोटिक ग्राम नेगेटिव के तहत काम करेगा और एक एंटीबायोटिक ग्राम पॉजिटिव को काम करेगा, तो मालूम तो होना चाहिए ना कि कौन से टाइप का बैक्टीरिया है, पॉजिटिव है नेगेटिव, जब तक पता नहीं लगेगा हम पर्टिकुलर एंटीबायोटिक स्टार्ट नहीं कर सकते। तो इस तरह हमने देखा कि सैंपल के अंदर कौन सा बैक्टीरिया है ग्राम नेगेटिव या पॉजिटिव है, हमने चार स्टेप देखे इसके अंदर, हमने आपको कोड बताया प्राइमरी मेथड टू डिकोड बैक्टीरिया बाय क्रिस्टल इश्यूज आर ऑलवेज सेफ, उसके अंदर ये चार स्टेप थे, आपके अंदर जो सैंपल के अंदर लास्ट में दिखता है ब्लू कलर या रेड कलर, ब्लू है तो पॉजिटिव, ये दिख रहा है तो नेगेटिव, और हर स्टेप के अंदर कौन कौन से केमिकल यूज होते हैं, ये वाले केमिकल यूज होते हैं, ये आपका मैकेनिज्म है और दिस इज द इंपॉर्टेंस बिहाइंड ग्राम स्टेनिंग। सो लाइक दिस वी विल कीप ऑन मेकिंग थिंग्स इजी। Please subscribe the channel, like, comment and share and also don't forget to press the bell icon ताकि जैसे वीडियो रिलीज हो आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच सके। Thank you, best of luck.